लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। हेलो, अमीर चंद हियर। हाँ अमीर चंद, क्या किया तूने वो दो खोखे का? अबे यार, तू बार बार फोन करके मेरे मुंह से गालियाँ क्यों सुनना चाहता है? शौक हो गया तुझको? गाली दूँ तेरी? ए, ए, गाली नहीं देना, गाली नहीं देना, नहीं तो क्या कर लेगा? ए, 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 चुप चुप फुस, वरना मैं तेरे बेटों को उठवा दूंगा। उठवा था क्या, कोई गोद ले लेना, फिर तुझे पता चलेगा कि कमीने पन में वो तेरे भी बाप है। ए, 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 फिर गाली? देख मैं अगर आ गया ना तेरे को दुनिया से ऊपर उठवा दूंगा। सही बोला ना? सही बोले भाई। बेटा तू एक बार आ जा, मैंने भी तेरे गले में अगर कुत्ते का पट्टा डाल के ब्रैबन स्टेडियम में कुत्तों की रेस में नहीं दौड़ाया तो मेरा नाम भी अमीर चंद नहीं, तू भी याद करेगा। सर अकलबंदी से काम लीजिए, कहीं ये भाई वो वाले भाई निकले जो गोली मार के भाई भाई कर देते हैं तो बहुत गड़बड़ हो जाए। अरे ये कोई भाई भाई नहीं है, मेरे बेटे हैं, गोवा में है, पैसा खत्म हो गया तो किसी तीसरे से फोन करा रहे हैं, मगर मैं भी इनका बाप हूँ, एक पैसा नहीं देने वाला। गोवा चलने की तैयारी करो, चलो। ठीक है सर, इससे पहले कि वो गोवा को उजाड़ के रख दे हम उनको वापस ले आते हैं। चलो सर, गोवा इस तरफ है। मालूम है, कपड़े बदलने देगा कि नहीं? अरे सर सोते सोते जाना, सोते सोते आ जाना। अब सर माफ करी तो सही। चलिए तो सही, आइए तो सही, बढ़िया तो सही। कहाँ है अमीर चंद? कहाँ है अमीर चंद? सेठ जी गोवा गए साहब। भाई देखा आपको फोन पे गालियों का डोज देके भाई पिकनिक मनाने गोवा निकल लिया। लेकिन वो गोवा जाए चाहे जहन्नुम, हम तो उसे कहीं से भी ढूंढ लेगा। ये कौन है? यही तो है सेठ अमीर चंद। भाई इसने फोन पे आपको गालियां दी, फोटो में मुक्का दिखा रहा है। बराबर बोल रहा है फेकू। अपने को चलने का है मुंबई टू गोवा। मैं फ्री है, चल। क्या बात है यार? यार मैं बड़ा परेशान हूँ यार। आवाज तो सुधार। यार मैं बड़ा परेशान हूँ यार। क्या बात है यार? यार मैं सोच रहा हूँ कि घंटी किसने बजाई थी। घंटी? मैं समझा नहीं यार। देख चिट्ठी तो रितु को मिली नहीं और घंटी बज गई, तो चिट्ठी मिली किसको? हेलो। ओहो संतोष जी, सवेरे सवेरे किथे है? चलिए मेरे साथ। कहा? आपसे कुछ बात करनी है। ओ जी यही कर लेते हैं। नहीं, किसी अच्छी सी खूबसूरत जगह चलते। ओ, ये जगह भी बहुत अच्छी है वैसे। नहीं चलिए ना। सुनो तू भी साथ चल। नहीं नहीं, आपसे अकेले में कुछ बात करनी है, प्राइवेट। सुनो इन्होंने बजाई थी। आई आई नाल चलते हैं, आराम नाल कल करते हैं, ऐसी बात नहीं है। इस तरह खामोश नजरें झुकाए क्यों बैठे हैं? ऐसे कैसे चलेगा जी? जैसा चल रहा है वैसा चलने दीजिए। वैसे भी मैं नजरें उठा के आपकी आंखों में क्या देखूं? देखिए तो सही कि मेरी आंखों में आपके लिए कितना प्यार है। मैं तो भगवान की शुक्रगुजार हूँ कि उसने मुझे आज तक कुंवारा रखा। अबे ये कहाँ लेकर आ गया तू मुझे? सर आइए तो सही। अबे क्या आइए तो सही? सर दिखाइए तो सही। शायद आप ही के लिए। नहीं जी। नहीं मेरा मतलब है कि आप बैठो, मैं अभी आया। जरा जल्दी आइएगा जी। अरे इनसे पूछिए तो सही। अरे भाई आपने इनको कहीं देखा है? इन बच्चों को, इनको कहीं देखा है? इन दोनों को? हाँ। ये दोनों है कौन यार? दोनों नालायक मेरी औलाद है। नालायक? हाँ। ये दोनों नालायक है? ये बदकिस्मती से मेरे घर पैदा हुए हैं। बदकिस्मत तुम नहीं हो, बदकिस्मत तो ये दोनों बेचारे हैं जो तुम जैसे कंजूस बाप के घर पैदा हो गए। हमारे सर की अच्छी नेचर का आपको कैसे पता? अरे यार तस्वीर देखो, इन दोनों के चेहरे से कितनी मासूमियत टपक रही है, और इनकी शक्ल से देखो। मेरी शक्ल से क्या टपक रहा है? चालू पना टपक रहा। मैं इसका मुंह तोड़ दूंगा ये। अरे यार भगवान का शुक्र मनाना चाहिए कि ऐसी औलादे घर में पैदा हुई है, उसके बजाय तुम इनको कोस रहे हो। अबे मैं कोसूं? गला घोटू? तू होता कौन है बोलने वाला? मैं होता कौन हूँ? और मैं जो हूँ ना वो तुम नहीं हो, और तुम जो हो ना वो मैं नहीं हूँ। क्या बोला? मेरे को समझ में नहीं आ रहा। मैं कहता हूँ तू फड़ यार। और देखो और तुमको ना अपनी औलाद से ना अगर इतनी तकलीफ हो रही है तो उनकी फोटो लेकर क्यों घूम रहे हो? और फाड़ दे यार, फाड़। फाड़ क्यों तू नालायक? नालायक फाड़ क्यों दी? और तुम्हारी किस्मत अच्छी है कि ये तस्वीर सिर्फ कागज की थी, अगर तुम कागज के होते ना तो मैं तो तुमको भी क्या कर लेता बे। और कुछ लिख देता कागज पे यार, ऐसी भड़कने वाली कोई गल नहीं है। नालायक
तस्वीर मार दी यार। सोनू क्या यार? अरे बहुत गड़बड़ है यार, यार अपना बाप यहाँ पहुंच गया है। क्या? हाँ, अपन दोनों की तस्वीर लेकर घूम रहा था, किसी चालक से मैंने फाड़ दी, वरना तो यहाँ पहुंच जाता यार। अरे ये तो बहुत बुरी खबर है यार। अरे इससे भी बुरी खबर है यार, वो बुआ मेरे पीछे पड़ गई है यार। अरे ये तो अच्छी खबर है यार। अरे क्या बात कर रहा है यार? राज साहब। हाँ, अरे पहले ही। राज साहब, सोनू राज साहब कहाँ है? मुझे रेस्टोरेंट में अकेला छोड़ के आए, कहीं उनकी तबीयत तो। बुआ जी, मुझे आपसे एक जरूरी बात कहनी है। क्या? लेकिन आप किसी को बोलिएगा नहीं। नहीं बताऊंगी, कहो ना। ये राय साहब है ना, आपके लायक के नहीं है। कैसी बातें करते हो? वो इस दुनिया में आए हैं तो सिर्फ मेरे लिए है। देखा? क्या देखूं? देखो, वो शराब भी बहुत पीते हैं। No wonder, तभी तो उनकी आंखें इतनी नशीली है माँ है। वो जुआ भी बहुत खेलते हैं। जिंदगी भी तो एक जुआ ही है ना। गुस्सा? बुआ जी आपने उनका गुस्सा देखा है? गुस्सा गर्म खून वाले मर्द को ही आता है। वो ना रात को मुजरा भी देखते हैं। मैं आ जाऊंगी ना, फिर नहीं जा पाएंगे। अरे मैं चाचा की इतनी बुराई कर रहा हूँ और आप उनकी तारीफ? इसमें बुराई की क्या बात है, ये तो रईसी शौक है बेटा। अच्छा छोड़ो ये सब बातें, वो कहाँ है? वो मेरा मतलब राय साहब। ओह नो, ओह माय गॉड, मैं छुप जाता हूँ उसके पीछे। छुप जा, छुप जा, छुप जा। रितु, क्या कर रही हो बेटा? झाड़ रही हूँ, बहुत बहुत गंदा हो गया। हाँ छी छी। कमरे में और कोई भी है क्या? कौन, कहाँ, किधर? मैं भी झाड़ूंगा। वेरी गुड, बिल्कुल भी धूल नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। क्या कर रही हो? तुम्हारी बाजुओं को क्या हुआ? डैड एक्सरसाइज मसल्स यू नो। इसको हटाओ ना। कमरे से किसी के गाने की आवाज आ रही थी। मैं गा रही थी। तुम गा रही थी? लड़के की आवाज में। वो मैं कॉलेज में किशोर कुमार की आवाज में हमेशा गाती हूँ। लता मंगेशकर की आवाज में क्यों नहीं गाती हो? वो तो सब करते डैड, यू नो आई एम डिफरेंट, कूल। गा कर सुनाओ। नहीं वो अब उधर देखिए ना। ओके। ओह माय गॉड, कोई भी नहीं है। अच्छा अच्छा गा कर सुनाओ। आप जरा उधर देखिए ना, मुझे शर्म आती है, प्लीज। ओके। कौन है? मैं गा रही हूँ। अच्छा अच्छा सुना सुना सुना। मेरे सामने वाली खिड़की में। वेरी गुड वेरी गुड, गाओ ना, रुको मत। एक चांद सा टुक। वेरी गुड, गाओ, रुको मत। अड़ा रहता है, अफसोस है ये के वो हमसे कुछ उखड़ा उखड़ा रहता है। क्या हुआ डैड? कौन था? डैडी। अरे माय बाबा, अफसोस है ये कि वो हमसे कुछ उकड़ा उकड़ा रहता है। चोर बालकनी से नीचे उतरने का कोशिश करता है तो सेठ का वो कदर नौकर उसको देख लेती है। वो देखती है वो अंदर जाने का कोशिश करता है। ओ साहब जी, घर में चोर आई है, वो बंगले में चोर घुसी है। साहब जी। कौन है आप? कौन है? संतोष जी घबराओ मत, मैं हूँ मैं। आप? हाँ जी। लेकिन आपको इस तरह आने की क्या जरूरत थी? क्या करता, मजबूरी सी। और मेरा मतलब है कि दरवाजे से तो आने का मौका ही नहीं मिलता ना यार। मजबूर तो मैं भी हूँ। लेकिन आपको यहाँ आते हुए कोई देख लेता तो? और देख लेता तो क्या? और देख लिया है। हमने अपनी आंखों से चोर को संतोष जी के कमरे में जाते हुए देखा है, अपनी आंखों से देखा है। मैं क्या संतोष जी, मुझे कहीं छुपा दो ना प्लीज। क्या कर? संतोष जी हम आ गए, दरवाजे खोलो। घबराओ मत, हम आ गई है। बुआ जी बाहर आ जाइए। आ गई हम लोग। बाथरूम में छुप जाओ। संतोष जी, संतोष जी जोर से बुलाओ ना। आ रही हूँ भैया। बाथरूम में कुछ नहीं है। भैया सब जी
ये चोर घर में घुस के गंदा कर रही है। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? चोर कहीं का? एक मिनट जाता कहाँ है? हाँ, पर्दा उठने वाला है, तमाशा हो रहा है। तो यार सब लोग एक साथ एक बाथरूम में क्यों आ गए? इस घर में और भी बाथरूम थे। एक्सक्यूज मी। चल यार। संतो। डैडी जी, नाराज होने की जरूरत नहीं है। हम लोगों ने बुआ के बारे में कभी सोचा ही नहीं कि उनकी भी कोई जिंदगी है। हाँ डैडी, इनके भी तो अरमान होंगे कि इनका कोई घर हो, बच्चे हो, कोई तो हो जो इनसे प्यार करे। मुझे अफसोस इस बात का नहीं कि इतने सालों बाद इसे एक लड़का पसंद आया। आज आया तो उसे बाथरूम में छिपा दिया। पहले बुआ की शादी होगी। हाँ डैडी। फिर हम दोनों की। यस। ओके बुआ। मैं सुबह होते ही राय साहब से बात करता हूँ। यो सोनू, इस बुड्ढे के रोल के बारे में कुछ करना पड़ेगा, वरना पानी नाक पे आ गया यार। अच्छा वो आप लोग मुझे मिल गए, मुझे आपसे एक जरूरी बात करनी है। मैं क्या गुजारे लाल जी, कल रात को जो कुछ भी हुआ ना उसे भूल जाइए। ओ जी मैं तो भूल जाऊंगा, लेकिन लोगों की जबान तो बंद नहीं कर सकता ना, लोग दस तरह की बातें करेंगे। हमें भी वही फिक्र है सर। हमें भी वही फिक्र थी। मैंने एक बात सोची है, अब जल्द से जल्द शादी हो जानी चाहिए बस। बिल्कुल सही सोचा है आपने सर, जितनी जल्दी शादी होगी उतना अच्छा है हम लोगों के लिए। जी मैं तो कहता हूँ कि आप पूजा और रितु को तुरंत बुलाइए, आज ही शादी कर डालते हैं जी। पूजा और रितु तो शादी के लिए राजी है। बुलाइए जी। पूजा रितु संतो के लिए कराओ। जीजा जी मान गए। जीजा जी संतो। सर अगर हम सोनू मोनू को इस तरह ढूंढते रहे ना तो ढूंढते ढूंढते पूरी जिंदगी बीत जाएगी। अबे तो कैसे ढूंढो यार, अखबार टेलीविजन इश्तिहार लगा दीजिए, अरे दीवारों में वांटेड के पोस्टर लगवा दीजिए और अपने मुंह पे काला पाउडर लगा लीजिए। अबे जब अकल बढ़ रही थी तो क्या मुंह धोने गया था तू? नहीं सर, नहाने गया था। अब अरे मिल गया, मिल गया। लेकिन सर ये तो गंजे टाइप के आदमी, हमारे सोनू मोनू तो एकदम जवान है। अबे मेरा दोस्त है गुलजारी। गुलजारी साहब बोल। गुलजारी साहब, गुलजारी साहब। पागल है यार, भूल गया क्या? गुलजारी अब मेरी बारी। पीछा टो। ये मेरा दोस्त है, कोई ड्राइवर नहीं है। कितने बरसों बाद मिला तू यार? अरे तू तो बंबई में था, यहाँ क्या कर रहा है यार? मैं अपने बेटों को तलाश कर रहा हूँ यार। तलाश कर रहा है क्या? नाराज हो गए हैं क्या? नहीं, ऐश करने आए हैं, बहुत बदमाश हैं यार। और तू सुना तेरे बच्चों का क्या हाल है? ऐसे शरारती तो नहीं है ना? नहीं नहीं, मेरी तो दो बेटियां हैं, सुंदर और सुशील। सुंदर और सुशील कितने अच्छे नाम है। नाम नहीं है ये, उनके गुण है। नाम तो उनके पूजा और ऋतु है यार। हाँ संतों का क्या हाल है? अरे संतों की कल शादी है। इस उम्र में? हाँ, कमबख्त को कोई लड़का ही अब तक पसंद नहीं आया, अब जो पसंद आया उससे कल शादी है। और उस लड़के के भतीजों से मैं अपनी दोनों बेटियों की शादी भी कर रहा हूँ। कहाँ जा रहे है तू? सोनू में जा रहा हूँ। क्यों क्यों क्या? तूने मुझे चाचा बना दिया, वो गुलजारी लाल मुझे रितु का फूफा बनाना लगा, तुम लोग मेरी शादी बुड्ढी से करा डाला। नहीं नहीं, मेरी बात तो सुन। अरे जीजा जी आप कहाँ जा रहे हो? ओ कुछ नहीं जी, मैंने सोचा थोड़ा सा बैग के साथ। कितने जोकी हैं, आइए मैं आपको अपने अच्छा। दोस्तों से मिलवाता हूँ। जीजा जी ये मेरे बचपन के दोस्त हैं, श्री अमीर चंद जी, और ये इनके पिए श्री कुंज बिहारी जी, और ये हमारे जीजा जी हैं संतों के होने वाले पति श्री राय बहादुर साहब जी। सर पहचाने तो सही, ये तो वही है। अरे मैं इसको पहचान गया, ये वही सन की बुड्ढा जिसने फोटो फाड़ी थी। और शुगर बनाओगे? तुमको नहीं फाड़ दिया यार? जब जाहिल गंवार। मुझे जाहिल बोल रहे हो? अखबार बोल रहे हो? और क्या यार गुलजारी लाल जी, आप अपने दोस्तों से मिलवा रहे हो कि हमारी बेइज्जती करवा रहे हो? नहीं नहीं, हम तो जाहिल हैं, गवार हैं। तो फिर संतों की शादी इस बुढ़ाओ से कीजिएगा। अरे कैसी बातें कर रहे हो? नहीं नहीं, इसी कीजिए जीजा जी। और मैं नहीं रुकूंगा। अरे जीजा जी मेरी बात तो सुनिए। अरे अमीर चंद फौरन उनसे माफी मांग ले, बड़ी मुश्किल से संतों के लिए एक लड़का मिला, वरना बाकी एक जिंदगी वो कुंवारी रह जाएगी। प्लीज माफी मांग ले, माफी मांग। आजा 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 मेरे साथ। जीजा जी रुक जाइए, माफी मांग रहे हैं। आइए मांग लो, मांग लो। हां भाई मैं अपनी गलती पे माफी मांग रहा हूं। ठीक है, हो गया जी, हो गया। देखिए तो सही। अरे ये तो मेरी गाड़ी है। ओए यार ये तो टू मच हो गया यार, साइकिल की औकात नहीं, कहते गड्डी हमारी है। अरे पर कह रहे हैं तो कोई बात तो होगी, मगर आपके पास ये गाड़ी आई कहां से? मुझे चक्कर है यार। नहीं जीजा जी नहीं कर रहा हूं। ओके हुआ ही।
मैं रास्ते से जा रहा था, मेरी गड्डी खराब हो गई। दो थोड़े से मुंडे मेरे पास आए, कहने लगा हमारी गाड़ी खरीद लो। मेरे पास 4 लाख का चेंज पड़ा था, मैंने गाड़ी खरीद ली। 6 लाख की गाड़ी 4 लाख में बेच दी। अरे तो 2 लाख का जीजा जी का फायदा हुआ ना, और गाड़ी की गाड़ी घर में रह गई। वैसे बच्चे बड़े अच्छे थे, लेकिन कह रहे थे कि आप उनको रोटी नहीं देते, कपड़े नहीं देते, आपकी रिपोर्ट बड़ी गंदी है यार। देखो तुम बहुत ज्यादा बोल रहे हो यार, तो मैं अपने मुंह से बोल रहा हूँ, मुझे थोड़ी बोल रहा है। क्यों बोल रहे हो? अरे तुमको अपने बाकी दावतों से मिलवाता हूँ। आ जाओ शाबाश। क्या ये सच है? यहाँ कोई चाचा वाचा नहीं है। चाचा नहीं? जी हाँ, जो चाचा है वही भतीजा है, जो भतीजा है वही चाचा है, और चाचा ही कोई है ही नहीं यार। ए मुनू, वो भूतनाथ ने सब सुन लिया यार, अब वो जाके अंकल को सब बता देगा यार, अब क्या करेंगे यार। सोनू, मुनू, पूजा, डैडी, डैडी उठिए, डैडी, 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 वो जो भूतनाथ है ना, वो पागल हो गया है। पागल हो गया? क्या किया उसने? अजीब अजीब हरकतें करने लगा है। कल हम दोनों सोनू मोनू से बात कर रहे थे, और अचानक वो आया, कहने लगा क्या कर रहे तुम लोग, जाओ जाओ अपने कमरे में। और मैंने उससे पूछा आप होते कौन ऐसे बोलने वाले, तो बोला बोलना मैं गुलजारी लाल हूँ तुम्हारा बाप। ऐसा बोला वो? हाँ हाँ डैडी। और फिर आया और बोला चाचा चाचा नहीं है। मतलब? हाँ मतलब हम भी नहीं समझे डैडी। वो बोलने लगा कि चाचा जो है वो भतीजा है, और भतीजा जो है वो चाचा है, और चाचा कोई है ही नहीं। तुम लोग ठीक तो हो ना? हाँ ठीक है, मगर वो ठीक नहीं है डैडी। इतने सालों से हमारे यहाँ काम कर रहा है, अब उन्हें कुछ कहिएगा नहीं, बस उनका इलाज कीजिए प्लीज डैडी, प्लीज। अच्छा ठीक ठीक है, टेक केयर ऑफ हिम डैडी। ओके, कम ऑन पूजा, कम, लेट्स गो, कम। क्या हो रहा है? शाबाश, ठीक है, इधर आ, बोलो शाबाश। क्या कर रहे हैं? क्या वो जो चाचा है वो चाचा नहीं है? क्या बोला? वो जो चाचा है वो चाचा नहीं है, वो भतीजा है सब्जी, और जो भतीजा है वही चाचा है सब्जी, और चाचा कोई है ही नहीं। जो पशुपतिनाथ तो आपको पता है सब्जी। हाँ मगर तुझको ये नहीं पता कि ये हाथ नहीं थप्पड़ है, आगे इस तरह की उठपटांग बातें की तो मेरा हाथ और तेरा गाल, गेट आउट आउट तू सब्जी। अरे जाओ जाओ जाओ। सर सर सर, ये फूल किस लिए ले रहे हैं? वो संतों की शादी हो रही है ना, उसके लिए ले जा रहा हूं। लेकिन सर संतों की शादी जिस बुड्ढे से हो रही थी वो तो मर गया है। मर गया? क्या बात कर रहे यार। अरे भाई सुनो, ये फूल कैंसल वो टायर जैसे होते हैं ना जो आरतियों पर चढ़ाते हैं, ये देना, वो इसमें एडजस्ट कर लेना। कितना शांत चेहरा लग रहा है ना, ऐसा लग रहा है जैसे कोई शांति से बैठकर हिंदुस्तान पाकिस्तान का मैच देख रहा हो। चाचा जी ये कोई उम्र है जाने की? 32 साल पहले तो आप 18 साल के हुए थे। आपकी 32 भी नहीं गिरी थी और आप पहाड़ी से गिर गए। अरे चाचा जी एक बार चाची को घर ले आते फिर चले जाते। सुनो लगता है हमारी किस्मत में चाची का प्यार नहीं था यार। अरे अरे बेचारों ने क्या हाल कर रखा। सब्र करो मेरे बच्चों, अरे सब्र करो, अरे सब्र करो ना यार, भगवान के आगे भला किसकी चलती है। सब्र तो कर लेंगे, लेकिन अब हमें पीठ पे बैठा के घोड़ा घोड़ा कौन खिलाएगा। हम एक फरमाइश करते थे और वो 2 पूरी करते थे। अरे रे रे। अब हम चाचा किसको बुलाएंगे यार, और हमें भतीजा कौन बुलाएगा? नहीं मेरे बच्चों मैं बुलाऊंगा। मेरी करवट चढ़ो, मेरी करवट। बंद करो ये ड्रामा। पुलिस, ये मरे नहीं इनका खून हुआ है। किसने मारा हमारे चाचा जी को? हम उसका खून पी जाएंगे। तुमने
तुम दोनों ने मिलके उनका खून किया है। नहीं। क्या? उनकी गाड़ी को पहाड़ पे ले जाके वहाँ से धक्का मारा है तुम दोनों ने। तुमने मेरे सुहाग को मार डाला, वो चाचा जो तुम्हें जान से ज्यादा प्यार करता था, तुमने उसकी जान ले ली। मुझे यकीन नहीं आता तुमने अपने प्यारे से चाचा का खून कर डाला। अंकल ये बात सच है कि गाड़ी को धक्का हमने दिया, लेकिन उस पे चाचा जी की लाश नहीं थी। आप रितु और पूजा भी साथ में थे, इन लोगों से पूछ लीजिए ना। गाड़ी को धक्का जरूर दिया गया डैडी, मगर उसमें चाचा जी नहीं थे, उनका पुतला था। क्योंकि चाचा जी कोई है ही नहीं। मतलब कि मैं जो हूँ वही चाचा जी थे, और जो चाचा जी थे वो मैं तो हूँ। अरे हमारे घर की बात है, इसमें आपका क्या काम है भाई? शराब। अरे मेरी बात तो सुनिए। जस्ट शराब मैन। तुम्हें जो कुछ कहना है पुलिस स्टेशन जाके कहिएगा। बोथ ऑफ यू आर अंडर अरेस्ट। कम ऑन मूव। सोनू चलो चलो चलो। सुनिए। अरे मुझे कहाँ लेके जा रही हो आप? तो आ जाइए डैडी। डैडी इन्हें रोकिए डैडी। डैडी हम जानते हैं कि वो बेगुनाह है डैडी। हाँ डैडी रोकिए। साहब जी ये जो चाचाई वही भतीजा है, और जो भतीजाई वही चाचाई। चाचाई कोई है ही नहीं। समझाओ इनको यार, इसको छोड़ दो। तुम अपना काम करो वरना तुमको भी अंदर कर दूंगा, समझे? तो लेके जाओ। चलो ये तो कोई बड़ा आदमी मरा है यार। कंडोलेंस में पुलिस भी आई हुई है। यार देखिए तो सही, ये पुलिस जिनको ले जा रही है शक्लें जानी पहचानी लग रही हैं। ये तो सोनू मोनू। हाँ सोनू और मोनू मेरे होने वाले दामाद। तेरे दामाद? हाँ। अरे वो मेरे बेटे हैं। अरे क्या बात कर रहे हैं, उनका बाप तो साउथ अफ्रीका में सोने की खाने खोद रहा है यार। समझा इनको। अरे सर उनके पिताजी की सोने की खाने नहीं, रोने की खाने हैं। क्या बात कर रहे हैं उनका। एक मिनट यार, सवाल ये पैदा होता है कि पुलिस उनको पकड़ के क्यों ले गई? पुलिस का कहना है कि उन्होंने अपने चाचा का खून कर दिया। अरे यार जब मेरा कोई भाई नहीं तो उनका चाचा कहाँ से आया? क्या बात कर रहे हो, इतने दिनों से उनका चाचा हमारे साथ रह रहा है भाई। उससे जी ये साहब जी सच बोल रहा है, वो चाचा ही नहीं है। जो चाचा ही वही भतीजा है, जो भतीजा है वही चाचा है, ऐसा सेपरेट चाचा ही नहीं है। क्या बात? अरे यार ये सब बाद में डिस्कस करते हैं ना, पहले चल के उनको छुड़ा ले मैं। लेकिन अगर तुम लोगों ने। अरे सर चलिए तो सही। चल कौन है ये, जरा पूछी तो सही। तू ठहर तो सही। क्या बात है भाई, कौन लोग हैं आप लोग? गली का कुत्ता, सड़क पर पड़ा गोबर, गटर का सुअर, याद आया तुझे? सर ये तो वो भाई है जिसको आपने फोन पे। आपका कोई भाई भी आपने बताया? तो सही भाई, इसने बोला था के फोन में घुस के आपको ऐसा झापड़ देगा कि आपकी सात पुश्ते गंजी पैदा होंगी भाई। भाई इसने ये भी बोला था कि आपके गले में कुत्ते का पट्टा डाल के ब्रेबाउन स्टेडियम में कुत्ते की रेस में दौड़ाएगा भाई। बोलो। हाँ। देखा सेठ अमीर चंद जी, इसीलिए मैं आपको मना करता था कि गालियां मत दीजिए, मगर अमीर चंद जी आप नहीं माने, आपने गालियां दी और इन सब पका लिया। अमीर चंद जी अब आप इनको जेलिए, ये अमीर चंद है। सर 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 कमाल कर रहे हैं आप, गाली आप दे गोली मैं खाऊं, ये तो कमाल ही हो गया। पगार देते नहीं और आज अपना नाम दे रहे हैं। काय का नाम दे रहे हैं? आपका नाम अमीर चंद है, मैं आपका नौकर हूं, इनको संभालिए, ये अमीर चंद है। आप गुलजारी लाल भी हैं, आपको नाम ही याद नहीं रहता? मुझे मत छोड़ के जाइए। अमीर चंद ज्यादा नाटक नहीं, हाँ तेरा फोटो अब उनके पास है। अरे ये तो कादर खान है। नमस्ते जी। हाँ ये मेरी तस्वीर नहीं है, कोई कादर खान है उसकी तस्वीर। अच्छा? है तो फिर कादर भाई गाड़ी में गाड़ी बैठो। हमको बोल रहे मेरे सब लोगों को गुंडालों को उठा के लेके गई जय पशुपतिनाथ बाबा। मैं क्या करेगी अभी, मैं क्या करेगी? साहब जी सब जी। क्या बात है भूतनाथ? सब जी हमारा सेठ जी और उनका दोस्त जो बम्बई से आया सेठ अमीरचंद जी, उसको खुद गुंडालों के साथ बंदूक दिखा के उठा के लेके गई। सेठ अमीरचंद? लेकिन सेठ अमीरचंद तो हमारे डैडी है। अच्छा इंस्पेक्टर साहब, हमारे डैडी की जिंदगी का सवाल है, हमें छोड़ दीजिए ना प्लीज। तुम लोगों को छोड़ दो हा? मुझे क्या बेवकूफ समझा खाए? इंस्पेक्टर साहब आज तक तो हम लोग मजाक करते रहे, झूठ बोलते रहे, लेकिन भगवान की सौगंध आज हम लोग दोनों सच बोल रहे हैं। अमीर चंद जी हमारे डैडी हैं, हमें छोड़ दीजिए ना प्लीज। साहब जी ये बच्चा लोग सच बोलने की, यही सेठ अमीर चंद का बेटा ही। अच्छा हाँ। पहले अपनी शादी के लिए चाचा का इस्तेमाल किया, अब अमीर चंद को बाप बना रहे हैं। मैं नहीं छोड़ूंगा। साहब जी ये दोनों बच्चा लोग बेकसूर है, प्लीज छोड़ दो उनको। अरे
ऑर्डर तो ऐसे दे रहे हैं जैसे कमिश्नर हो। छोड़ दो उनको प्लीज। तू चुप बैठ वरना तेरे को अंदर कर दूंगा। सर प्लीज छोड़ दो इनको, नहीं तुम गला काटेगी इसका। आ गया, खोलो दरवाजा, तुम गलत कर रहे हो भूतनाथ। साहब जी हम गुरखा लो गया, हम गलत आदमी को अंदर जाने नहीं देगा, सही आदमी को अंदर रहने नहीं देगा। साहब जी तुम जाओ, भूतनाथ जी तुसी ग्रेट हो, तुसी छा गए हो। ओ मैं क्या थोड़ा जवाब नहीं है पापा जी। साहब जी हम ज्यादा देर पकड़ नहीं सकते इसको, तुम जाओ साहब जी। ओके सर। साहब जी जल्दी जाओ प्लीज। सुनो डैडी 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 सर। क्या मुसीबत है सर? अबे क्या सर सर कर रहा है, मेरा सर दुखने लगा। आप नहीं सर, मेरा सर। हाँ, तेरा सर और मेरा सर। जिसकी गोली नाक पे लगी उसे नागपुर, जिसने कान उड़ाया उसे कानपुर, और जिसने आंख फोड़ी उसे आंध्र प्रदेश का एरिया दिया जाएगा। भाई मैं एक गोली में तीनों को उड़ाएंगा, मेरे को अक्का इंडिया देगा क्या? दिया। अबे रोता क्या है, मरने से डरता है? एक दिन तो सबको मरना है। नहीं सर, मैं तो ये सोच सोच के रो रहा हूँ कि अगर आप बच गए तो एक आंख एक नाक बगैर कान के कैसे दिखाई देंगे, बहुत ही भयंकर। अबे मरते वक्त तू मेरा मजाक उड़ा रहा है क्या? मेरी माँ बचपन में कहा करती थी अमीर चंद की दोस्ती ठीक नहीं, माँ की बात बचपन में नहीं मानी, इस उम्र में सजा भुगत रहा हूँ। मैं तो अपने बेटों की करनी का फल भुगत रहा हूँ, न मैं उनको भाई समझता, न इन भाइयों को गाली देता, न मेरा ये अंजाम होता। साले। भाई पुलिस पुलिस पुलिस, लेकिन पुलिस यहाँ क्या कर रही? ये तो पुलिस है। क्या हो रहा है यहाँ पे? ये क्या हो रहा है? कुत्ते, ये फुग्गो की दुकान यहाँ पे क्यों लगाई? टूरिस्ट कहाँ जाएंगे? भाई फुग्गो की दुकान नहीं है, यहाँ शूटिंग चल रही है। हाँ हाँ शूटिंग चल रही है। क्या पिक्चर की शूटिंग चल रही है? कौन एक्टर कौन कौन आया? वो क्या क्या नाम कौन है? पकड़ो मोनू। ये अनुपम खेर लग रहा है। या या या। सोनू ये मद्रास की फिल्मों के जूनियर आर्टिस्ट की तरह नहीं लग रहा है? स्वामी। सोनू ये कादर खान जी की तरह नहीं लग रहा है? यार मोनू ये हमारे बाप जैसा लग रहा है यार। क्या उल्लू नालायक गधे? देखा मोनू इतनी गालियां तो हमारा बाप ही हमें दे सकता है। मैं तुम्हारे बाप जैसा लगता नहीं हूँ, मैं तुम्हारा असली बाप हूँ। अरे हमको बचाने के बजाय दोनों टाइम पास कर रहे हो यार। अरे बाप की छोड़ो ससुर की सोचो, दोनों सुंदर और सुशील लड़कियां तुम जैसे लड़कों को दे दी, सोचो सोचो सोचो। अरे क्या है भाई ये पागल लोग तो नहीं है जो किसी भी रिश्ते से बुला रहे? कौन है? अभी हमारे समझ में आया कि शूटिंग कौन सी चल रही थी। प्रणाम। इसने कितने मांगे थे जो तुमने नहीं दिए? सॉरी तुमने कितने मांगे थे जो इसने नहीं दिए? दो खोका। दो खोका बदले में कबाड़ भर के गालियां। बॉस को तो बोलने दे। बात क्या हुई? क्या इसकी बात खत्म हुई? इसको बोलने देना। एक्चुअली ना क्या बॉस को तो बोलने दे। बॉस कौन है? मैं। बात क्या हुई? अब क्या हो गया? अरे इसकी बात खत्म होने देना यार। अच्छा 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 वो टेलीफोन बॉस कौन है? कौन बॉस? हमने जब उसको हम क्यों आ रहे देखो इसकी बात खत्म हुई। कबट कबट बॉस है कौन? Who's the boss? Let him speak. Okay. Yeah. What? क्या हूँ? हम गूंगे होगा क्योंकि तुम मारते हो। ये भी उसको बोलने दे। हाँ, हम गूंगे क्योंकि तुम हमको मारते हो। क्या हो गया? अरे उसको बोलने तो देना यार। तुम लोग यार एक दूसरे को बोलने क्यों नहीं देते हो? सबसे पहले गोली मैं चलाऊंगा। अमीर चंद याद है बचपन में मैं कैसे गुले से चिड़िया मारता था? संभाल यार संभाल, बंदूक उठा नहीं सकता, गोली क्या खाक चलाएगा? आज मेरे बेटों की वजह से मुझे पहली बार असली बंदूक मिली है, इसलिए गोली मैं चलाऊंगा। सर क्लाइमेक्स का टाइम है, बातें कम काम ज्यादा कीजिए। बंदूक उठाइए तो सही, गोली चलाइए तो सही, फुग्गा फोड़िए तो सही। गोली लग गई उसको। सही
एकदम सही सर, एकदम सही। ये गलत है। अब कुत्ते का पट्टा किसके गले में? मेरे गले में, मेरे गले में। ब्रैबोर्न स्टेडियम में कुत्तों की रेस में कौन दौड़ेगा? मैं दौड़ूंगा, मैं दौड़ूंगा और फर्स्ट भी आऊंगा। और गटर का सुअर कौन? मैं। तो हमारे यहाँ गटर के सुअर को मार देते हैं। अब इस पर निशाना मैं लगाऊंगा। सर, उधर सर, इस फुग्गे की हवा पहले ही निकली हुई है, आप क्या निशाना लगाएंगे? मैंने गोली चलाई। कौन है? कौन? सर, पुलिस वाले जॉगिंग क्यों कर रहे हैं यहाँ? डैडी, हमें माफ कर दीजिए। मैं तुम दोनों की एक्टिंग से हमेशा परेशान रहता था, पर आज उसी एक्टिंग ने हमारी जान बचाई है, इसलिए वेल डन। मगर इनकी एक्टिंग में मेरी बहन संतो का तो दिल टूट गया ना। ऐसी बात नहीं है भैया, इन्होंने जो कुछ भी किया मेरी भतीजियों का प्यार पाने के लिए किया। अरे मुझे तो खुशी है कि मेरे भतीजियों को इतने प्यार करने वाले लड़के मिले। ओ संतो जी, ये दुनिया गम तो देती है लेकिन शरीके गम नहीं होती, और इस दुनिया में किसी के दूर जाने से ना मोहब्बत कम नहीं होती। संतो, ये उल्लू का पट्टा।